फरीदाबाद के गांव जवा में एक समारोह में विषाक्त भोजन खाने से लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत होनी शुरू हो गई। 4 दर्जन से अधिक लोग इसका शिकार हो गए। हालांकि डॉक्टरी उपचार के बाद सभी ठीक है, लेकिन बताया जा रहा है कि बाजार में मिलने वाले नकली खोया और पनीर के कारण खाने के कारण यह नौबत आई है। समारोह करने वाले आयोजक ने इस बारे में कुछ भी बोलने से परहेज ही रखा, लेकिन यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर इस तरह का खोआ और पनीर बाजार में बेचा कैसे जा रहा है। तो भैया कल गाजर का हलवा खाए और पेट में मरोड़ और सुबह 10 तरह उल्टी लग रही है, जलन है रही पेट में। अच्छा, कि अस्पताल में किसी ने दिखाया ना? कहीं ना दिखाया, मेरे तो उल्टी लग के ठीक है। बोले तो अब आराम है? हाँ, अब आराम है। किस तरह से प्रॉब्लम बनी, क्या कारण था? प्रॉब्लम यही, खानों खाने गए यहाँ सतवीर के लगन सगाई, वहाँ में कोई ऐसा नशीलो सौदा जो 50-100 आदमी कम से कम रहे थे, पर वहाँ पहुँचे हमें हॉस्पिटल में। तो अब क्या मानते हैं आप, क्या कोई पता चला कुछ? ये जैसे ये खाने चल रहे हैं, ये खोवा है, ये पनीर है, इनकी जांच होनी चाहिए। ये गलत है सौदा जो दुकान पे थे। कहाँ से? राम जवा से जी। क्या परेशानी थी गाजर के हलवा खाने पर? ऐसा जी, लड़का गया खाना खाने के लिए और हम गए दूसरी जगह शादी में, घर कोई नहीं था, तो उसके लड़का खाने के गया, उसके क्या नाम है जी, सतवीर, उसके खाने खाते के उल्टी दस्त चोरा कर लगे, गांव के भाई ले गए अस्पताल में। परेशानी ये है जी कि खाने में बिल्कुल ही जल क्या हो क्या नहीं पता नहीं। फरीदाबाद टाइम्स में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।